फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं लेके आपके लिए ये खूबसूरत सी और प्यारी सी बॉर्डर डिज़ाइन, जो कि आप लेडीज़ कार्डिगन, स्वेटर, जैकेट्स में डाल सकते हैं, बच्चों के स्वेटर वगैरह में डाल सकते हैं, टोपी में डाल सकते हैं, मोजे वगैरह में डाल सकते हैं, पर जेंट्स स्वेटर में आप इस बॉर्डर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये स्पेशली लेडीज़ और बच्चों के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत आसान है, सिर्फ दो लाइन का पैटर्न है और ये दो तरह से बनती है। अगर आप एक ही डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये एक के ऊपर एक बनेगी, और जैसे कि मैंने यहाँ बनाया, अल्टरनेट करेंगे तो देखिए इस तरह से गोल गोल, इस तरह से इसमें होल दिखेंगे और ये इस तरह से डिज़ाइन लूप जैसी दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंदे डालने के डायरेक्ट बाद, मतलब फर्स्ट रो से आप इसे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले पहला फंदा, ऑड नंबर में फंदे चाहिए आपको। देखिए पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा स्किप करेंगे, अगला फंदा फिर हम उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। फिर एक फंदा उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए धागा हमारा आगे की तरफ ही है, एक फंदा उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर एक फंदा उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। एक उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह से ये रो हम कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में हम आ गए हैं, तो एक फंदा उतारेंगे, ये लास्ट वाला हम बुन लेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक एक फंदा स्किप करते हुए हमने ये रो कंप्लीट कर ली। अब रॉन्ग साइड से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से जो हमने स्किप किए हैं वो भी, और जो हमने बिना स्किप किए बुने हैं वो भी, तो सबको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए दो लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब बनेगी डिज़ाइन इसी तरह से, मगर इसे अल्टरनेट करना है। देखिए पहला फंदा हमने बुना था, तो पहला फंदा तो हम बुन लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और फंदा हम तीसरी सिलाई में बुन लेंगे, फिर उसके बाद वाला फंदा उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे को बुन लेंगे, एक फंदा उतारेंगे, इससे बुन लेंगे। तो जो हमने पहली लाइन में बुना था उसे हम उतार लेंगे। देखिए पहली लाइन में बुना था इसे उतार लेंगे, और उसके बाद वाले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। फिर इस फंदे को देखिए, ये बुना हुआ था तो इसे उतार लेंगे, उसके बाद वाले को बुन लेंगे। तो इसी तरह से अब आपको ये बनाना है। बस इतना ध्यान रखा है कि पहली लाइन में जो फंदा बुना है उसे तीसरी लाइन में हम उतारेंगे, और जो पहली लाइन में हमने फंदा उतारा है उसे तीसरी लाइन में बुन लेंगे। तो बना लेते हैं। अब देखिए हम थर्ड रो के लास्ट में आ गए। देखिए इस फंदे को बुना, एक उतारा, फिर इस फंदे को बुन लेंगे। लास्ट में एक फंदा है, इसे भी हम बुन लेंगे। अब हम सारे फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो बना लेते हैं सबको। ये देखिए अब इन्हीं चार लाइनों को आपको बार बार रिपीट करना है, तो ये खूबसूरत सी बॉर्डर बन जाएगी। बहुत प्यारा पैटर्न है और बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है आपको ये बॉर्डर पसंद आएगा, मेरे बताने का तरीका समझ में आएगा। और अगर ऐसा है तो आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।